हेलो गाइस, माय नेम इज महेश पाटिल एंड वेलकम बैक टू आज की वीडियो। गाइस, मैं आज आप लोगों को इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैमरा सेटअप, कैमरा सेटिंग कैसे करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइटिंग सेटअप, जिससे हम रियलिस्टिक लाइटिंग सेटिंग कैसे क्रिएट करनी है वो आपको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद में फाइनल रेंडर के लिए क्या सेटिंग हमें यूज करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें आ जाना है टॉप व्यू में। उसके बाद हम यहाँ से क्रिएट पैनल में जाएंगे और यहाँ से कैमरा में जाएंगे। मिरर पे क्लिक करके हम यहाँ से मिरर फिजिकल कैमरा सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट में इसको अप्लाई कर देंगे सेंटर में। उसके बाद हमें यहाँ से लेफ्ट व्यू पोर्ट में जाना है और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर मूव कर लेना है और यहाँ से इसको 1.2 हाइट दे देना है। मैं 1.2 हाइट इसके लिए दी क्योंकि मेरा रूम का साइज जो है अप्रोक्स 3 मीटर है, तो मैं हमेशा 1.3 या 1.2 के बीच में यहाँ पे रखता हूँ, इससे मुझे अच्छा यहाँ पे पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम यहाँ से सी प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे कैमरा का एंगल यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ से कैमरा टारगेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी 1.2 यहाँ से हाइट दे देना है, इससे एक लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ पे हमारा कैमरा बैठ गया है, मगर हमारा पूरा यहाँ पे इंटीरियर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, ताकि हमने कैमरा पूरा यहाँ पे यूज कर दिया है, लास्ट तक हमने यहाँ पे इसको प्रेस किया है। उसके बाद हम यहाँ से सेव शो सेव फ्रेम यहाँ पे क्लिक करके इसको शिफ्ट एफ इसका शॉर्ट किए देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्क्वेरिस यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है, क्योंकि मेरा रेंडर आउटपुट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 600 बाय 600, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 1920 बाय 1080 यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए। मैं अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी साइज यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ्रेम यहाँ पे शो हो रहा है, फिर भी यहाँ पे मेरा पूरा यहाँ पे इंटीरियर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करना है और मॉडिफाई पैनल में जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका 40 फोकल लेंथ यहाँ पे दिया है और 36 यहाँ पे दिया है, तो मैं अगर इसको कम या ज्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें यहाँ पे अपना पूरा रूम यहाँ पे दिख रहा है, मगर इसमें प्रॉब्लम है कि पर्सपेक्टिव यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, काफी लंबा लंबा यहाँ पे मेरा रूम ऐसा नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली ये मैच नहीं हो रहा है, बस मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ। देखेंगे टॉप व्यू पोर्ट में यहाँ पे दो लाइन से यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उतना ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसको मैं अगर कम ज्यादा करता हूँ तो उतना वो यहाँ पे बढ़ता है। इसको बाय डिफॉल्ट होती रख, हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव कर देना है बाहर की तरफ, हमारे इंटीरियर का जो यहाँ पे टेबल वगैरह हमने रखा है वो भी हमें यहाँ पे कवर हो जाए। मैं इसको और इतना बाहर ले लेता हूँ बस, इससे अभी हमारा ये इतना वाला पोर्शन भी हमारा सीन में यहाँ पे आ जाएगा। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे अभी कैमरा में कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वॉल के बाहर इसको ले लिया है। तो अभी हमको यहाँ पे एक सेटिंग करनी है, कैमरा को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई पैनल में जाना है, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपिंग एंड एनवायरनमेंट का, तो यहाँ पे क्लिपिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिपिंग के दो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, नियरेस्ट क्लिपिंग प्लेन और फेयर क्लिपिंग प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे जो रेड मार्क है वो इस यहाँ से इसको कंट्रोल होता है वो, और हमें यहाँ पे नियरेस्ट क्लिपिंग प्लेन यहाँ पे देना है ताकि हम इसके अंदर जा सके। तो मैं यहाँ से इसको टाइप करके देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक लाइन आ गई है, जिससे एक यहाँ पे थी और एक दूसरी वाली यहाँ पे अभी आ गई है। हमें क्या करना है, इस लाइन को हमारे रूम के अंदर लेके जाना है, इसलिए हम इसको हमारे रूम के अंदर लेके जाएंगे तो हमारा
कैमरा यहाँ पे इंटीरियर वाला जो सीन है हमारा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। कैमरा हमारा जब भी स्टार्ट होगा तो वो इस जगह से हमारा स्टार्ट होगा, ना कि इस जगह से। तो हमें ये सेटिंग कर लेनी है इस तरीके से, हम इसको अंदर तरफ ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पूरा यहाँ पे मेरा रूम जो है इंटीरियर यहाँ पे ये शो हो रहा है, और हमारा पर्सपेक्टिव भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैच हो रहा है। सीलिंग भी हमें दिख रही है और हमारा एंगल भी काफी अच्छे तरीके से है। इस तरीके से आपको कैमरा की सेटिंग करनी है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है लाइटिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या यहाँ पे लाइट्स यूज किए। मैंने इंटीरियर में यहाँ पे स्क्वायर लाइट यूज किया है और प्लेन लाइट यूज किया है, और आईएस लाइट मैंने यहाँ पे यूज करके रखा है, मगर मैंने अभी सारी लाइट्स यहाँ पे ऑफ कर दिए। मैं आपको एक रेंडर निकाल के दिखाता हूँ, उसके लिए मैं पहले एक सेटिंग कर लूंगा रेंडर की, क्योंकि मैं टेस्ट रेंडर करना है तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा सा लो कर देते हैं इसको, सब चीजें थोड़ा सा बकेट कर देता हूँ इसको। मैपिंग में मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको क्या कर ये भी हमने यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स बेसिक सेटिंग रेंडर के लिए, जिससे हमारा ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि लाइटिंग अभी किस तरीके का यहाँ पे है। लाइट केस अभी हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है और पूरा ब्लैक यहाँ पे हमारा लाइट्स आ रहा है, क्योंकि हमने सारे लाइट्स अभी यहाँ पे ऑफ कर दिए, कोई भी लाइट्स अभी हमारा यहाँ पे ऑन नहीं है। तो अभी सबसे पहले हमें लाइट्स यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ से क्रिएट पैनल में जाना है और यहाँ से लाइट्स में जाके मिरर सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से मैं वेरिएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वेरिएशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इस तरीके से, और एनवायरनमेंट का टॉप यहाँ पे पॉपअप आएगा तो उसको आपको यस कर देना है, जिससे आपका बाय डिफॉल्ट जो स्काई है उसको अप्लाई हो जाएगा एनवायरनमेंट में। और लेफ्ट व्यू में रिपोर्ट में आके इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेना है सन को इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने 45 डिग्री में यहाँ पे सन को अप्लाई कर दिया है कैमरा एंगल से। और दूसरा जो अभी यहाँ पे पार्ट है, रेंडर करने से पहले हमें यहाँ से एक और सेटिंग करनी है। यहाँ से मिरर टैब में जाना है, ग्लोबल स्विचेस मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ से ओवरराइड मटेरियल के यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो नॉन्स दिख रहा है आपको यहाँ से कोई भी मिरर मटेरियल आपको यहाँ पे ड्रैग कर देना है, जिससे अभी हमारे जो पूरा सीन है यहाँ पे कोई टेक्चर हमें नहीं नजर आएगा, खाली यही मटेरियल हमें यहाँ पे शो करेगा, जिससे हमें लाइटिंग को देखने में काफी इजी होगा और हमारा टाइम भी रेंडरिंग का यहाँ पे बच जाएगा। तो हमें खाली अभी लाइटिंग देखना है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से इसको पहले सेटिंग कर लेनी, उसके बाद आपको यहाँ से उसको रेंडर करना है। हमने यहाँ पे वेरिय सन लगा लिया है और उसके साथ में स्काई भी अभी यहाँ पे लग गया हमारा, और यहाँ पे अभी इस तरीके का हमें रेंडर आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो सन लगाया है वो हमारे इंटीरियर में अंदर नहीं आ रहा है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो विंडो यहाँ पे हमने लगाया है उसको भी वही सेम मटेरियल अप्लाई हो गया है, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड पे क्लिक करना है और विंडो का जो भी हमारा पार्ट है उसको यहाँ से एक्सट्रूड कर देना है। इस तरीके से सेलेक्ट करके इसको एरो पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे विंडो आ जाएगा, तो इसको ओके कर देना है। तो अभी हमारा विंडो जो है ओवरराइड मटेरियल से एक्सट्रूड हो चुका है, तो इसको वापस से हम रेंडर करके देखते हैं। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स आ रही, विंडो जो हमारा ट्रांसपेरेंट है उससे, और हमारा जो नेचुरल लाइट है एक्सटर्नल जो लाइट है वो अभी अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेंडरिंग आ रही है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेंडरिंग हो गया है, काफी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे अभी हमें मिल रही, मगर यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम है कि एक काफी ज्यादा बर्न हो रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना है। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग बताता हूँ क्या करनी है। यहाँ से हमें इसको हाई रख था, इसके लिए हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा चला गया। टेस्ट रेंडर के लिए आपको हमेशा उसको वेरी लो पे रखना है, तो आपका टाइम बचेगा। जो अभी हमारा यहाँ पे बर्न आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये जो बर्न यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा, इसका सेटिंग है मैं आपको बता देता हूँ। वेरी टाइप में जाना है और यहाँ से कलर मैपिंग में जाके बर्न वैल्यू जो है उसको 0.5 कर देना है। जो हमारा यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। कलर लैंपिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे आपका ओवर बर्न यहाँ पे हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना है हमें। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ से इसको बर्न वैल्यू 0.5 कर दिए, उसके बाद वापस से हम यहाँ से इसको और रेंडरिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा पोर्शन पहले हाईलाइट हो रहा था और ज्यादा बर्न हो रहा था वो अभी कम हो चुका है। फिर भी हम यहाँ से इसको ऑन करके देखेंगे, ऑन ऑफ करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ पे ग्रीन कलर उसका आ रहा है, स्काई ब्लू कलर, जैसे पोर्स कलर ऑन करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शो करेक्शन कंट्रोल पे यहाँ पे क्लिक करना है पहले वाले आईकॉन पे, जिससे आपका यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सप्लोजर और ये सब वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, व्हाइट बैलेंस, तो आपको एक्सप्लोजर पे ऑन कर देना है और जो भी आपका हाईलाइट पोर्शन है उसको यहाँ से कम कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे भी आप उसको कम करेंगे तो हाईलाइट वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया है। आपको ये कलर कलर क्लैंपिंग को आप ऑन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इसमें आपको हेल्प हो जाएगी कि कहाँ पे आपका ओवर बर्न हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको कम करना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आप इसका एक्सप्लोजर वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लाइट कम हो रही है तो आप यहाँ से इसको एक्सप्लोजर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। लाइट को थोड़ा सा कम कर देना है, कंट्रास्ट भी हम यहाँ से थोड़ा सा, मैं सारे लाइट्स यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। मैंने इंटीरियर में लाइट्स लगाए थे, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। रेंडर करके देखते हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमने लाइट्स यहाँ पे लगाई थी वो भी अभी आ गई है और विरेसन भी हमारा यहाँ से आ रहा है, मगर इसमें शार्पनेस बहुत ज्यादा है, शाड़ो में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा शार्प है। तो इसके लिए आपको यहाँ से मेरे सन को सिलेक्ट करना है, विरेसन को मॉडिफाई में जाना है और यहाँ पे साइज मल्टीप्लायर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 है वैल्यू, तो इसको आपको सिंपली थोड़ा सा बढ़ा देना है, उनका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है और आपको काफी स्मूथ शाड़ो यहाँ पे मिल जाएगी। देख सकते हैं अभी शैडो जो है काफी आ रही है, मैं इतना शार्प और शैडो नहीं चाहिए, थोड़ा सा नेचुरल है अभी यहाँ पे हमें लुक चाहिए, तो उसके लिए हम सन का साइज बढ़ा देंगे, काफी स्मूथ आ जाए, काफी रियलिस्टिक लुक आपको यहाँ पे मिल जाए।
हेलो गाइस, हमारा रेंडरिंग आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शैडो भी काफी स्मूथ हमें यहाँ पे अभी मिल रही है। काफी नेचुरल लुक्स अभी यहाँ पे शैडो का भी हमें आ रहा है। पहले बहुत ज्यादा शार्प थी तो हमने इसको साइज बढ़ा के उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पे लाइट्स भी आपको मिल रही है। आप इसका लाइट्स का अगर चाहिए तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। मेरे लिए अभी ये थी कि इतना लाइट्स काफी मुझे। तो इस तरीके से हमें लाइट का सेटिंग करना है। इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस तरीके से हमें लाइटिंग का यहाँ पे वर्क करना है। तो आप देख सकते हैं काफी यहाँ पे अच्छी तरीके से हमारा लाइट भी मिल रहा है, शैडो भी मिल रही है और कोई यहाँ पे हाईलाइट और बर्न यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको इस तरीके से लाइटिंग पे वर्क करना है। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ रेंडरिंग रेंडरिंग के लिए आपको क्या क्या सेटिंग आपको यूज करनी है फाइनल रेंडर के लिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आउटपुट में जाना है। तो मैंने यहाँ पे फुल एच डी यहाँ पे सिलेक्ट किए क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है 1080x1920। कम से कम आप यही साइज रखिए, रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ग्रे टैब में आना है, ग्लोबल फीचर्स से आप अभी ये इसको निकाल दीजिए, इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको भी अनटिक कर देता हूँ यहाँ से। इमेज सैम्पलर हम यहाँ से बकेट ही रखेंगे और ऐसे इसका सब डिविजन एड कर देता हूँ मैं यहाँ से। अभी हमारा मेन पार्ट है नॉइज फेड। नॉइज फेड बाय डिफॉल्ट आपको 0.01 यहाँ पे मिलेगा, तो आपको इसको कम कर देना है, थोड़ा सा 0.005 कर देना है या फिर 0.002 कर देना है, जिससे आपको काफी अच्छा रेंडर मिल जाएगा। यहाँ से इसको जितना आप कम करेंगे उतना आपका नॉइज यहाँ पे कम आएगा, मगर आपका रेंडर टाइम यहाँ पे आपको बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 0.005 या 0.002 इतना ही आपको रखना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करके स्विच को एक्सपर्ट कर देना है सबको, इससे आपको सारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अभी ओपन हो जाते हैं। ग्लोबल डीएम से मैं ऐसे यूज लोकल सब डिविजन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से दो इसको कर देता हूँ मैं। कलर मैपिंग टाइप में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यही रखता हूँ। जीआई टाइप में आना है, आपको यहाँ से इरिडेंस मैप सिलेक्ट करना है, सेकेंडरी इंजन आपको लाइट केस रखना है और यहाँ से आपको मीडियम या हाई पे आपको रखना है, जिससे आपको काफी अच्छा आउटपुट आ जाएगा। जितना आप ज्यादा हाई करेंगे उतना आपका रेंडर टाइम भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे लाइट केस बाय डिफॉल्ट 1000 रहता है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1200 में यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। और जब भी आप फाइनल रेंडर करेंगे तो आपको यहाँ से इसके सब डिविजन बढ़ा देने हैं। मैं यहाँ पे 70 कर रहा हूँ और सेकंड इसमें मैं 30 रख रहा हूँ, इससे भी आपको काफी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। बस यही थी सेटिंग। बाकी सारी सेटिंग जो थी मैं वेरे की डिफॉल्ट सेटिंग यूज करता हूँ। यहाँ से आपको टॉप टू बॉटम कर देना है उसको सेटिंग में आके। बाकी सारी सेटिंग जो है वेरे की डिफॉल्ट सेटिंग काफी है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है तो आप यहाँ से इसको एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, वीरेडी नॉइजर, इससे आपका नॉइज रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप आफ्टर रेंडरिंग पोस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आप और कुछ एलिमेंट्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लाइट लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, स्पेक्युलर, ये सारे सारे एलिमेंट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेक्युलर, शैडो और वायर कलर। वायर कलर से आपको इंडिविजुअली कलर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आपको इजी होगा अगर फोटो शॉप में आप काम करेंगे तो। यही सारी सेटिंग की और यही सारी सेटिंग मैं यूज करता हूँ फाइनल रेंडरिंग के लिए। अगर गाइज आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी हम इसका रेंडर निकाल के देखते हैं क्या हमें यहाँ पे रेंडरिंग आ रही है।
ओके गाइस, अभी हमारा यहाँ पे रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से आपको सारे यहाँ पे काम करने हैं, कैमरा पे और लाइटिंग पे और रेंडरिंग पे। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे जैसे कि मैंने दिखाया उस तरीके से करेंगे तो आपको काफी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा रेंडरिंग में और आपका कैमरा में और सारी चीजों में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप काम करेंगे तो प्लीज ये सब चीजें देख लेना एक बार। और अगर आपको और भी कुछ वीडियो देखने तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे काफी कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। ये हमारा रेंडरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।